These headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. KAS मेंस एस्पायरेंट्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी एस्पायरेंट्स का कहना है कि पीएससी ने परिणाम में घोटाला किया है, अब प्रशासन इसे यूपीएससी के जरिए दोबारा चेक करवाए। हालांकि बीते सोमवार को पीएससी ने सभी आरोपों को झूठे बताया है। थोड़ा फैक्ट बताऊंगा कि जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो मेंस का एग्जाम जुलाई में कंडक्ट किया है और सडनली इन्होंने बीच में डिजिटल चेकिंग ऑफ पेपर्स किया, वो किसी को नहीं पता था। जब 4 दिसंबर को रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद हमने जब रिजल्ट में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व की, हमने प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस किए और प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद हमें ये पता लगा इनसाइड इन्फॉर्मेशन कि इन्होंने डिजिटल चेकिंग ऑफ पेपर्स की है। इन्होंने तब तक छुपा के रखा था और फाइनली 10 को उन्होंने बोला, कन्फर्म किया कि हमने डिजिटल चेकिंग ऑफ पेपर्स की। डिजिटल चेकिंग ऑफ पेपर्स जो है सर, ये इसके लिए जो है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो है वो बोलता है कि आपने इसमें जो है वो प्रायर इंस्ट्रक्शंस देनी है स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ने ब्लैक पेन यूज़ करना है, हमारे यहाँ ब्लैक पेन जो है वो अनफेयर मींस यूज़ किया जाता है, इसलिए ये जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो आर्बिट्रेरी डिजिटल चेकिंग ऑफ पेपर्स यूज़ की है वो नहीं चलेगा। थैंक यू। पीडीडी विभाग के अस्थाई कर्मचारियों ने आज सचिवालय घेराव करने की कोशिश की। बता दें, वेतन न मिलने से पीडीडी अस्थाई कर्मी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनके आज के सचिवालय घेराव के प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथ बड़ी बेइंसाफी हो रही है, क्योंकि कश्मीर प्रॉमिस में हमारे ही भाई 7500 लोग थे भीड़ में, उनको आउटसोर्सिंग इन्होंने भेजी थी और उनको 300 रेगुलर कर दिया। हमें ना ही भेजी दी जा रही है, ना ही हमारा कोई घट बनाया जा रहा है। हम आज सेक्टर ग्राफ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी भी मजबूरियां बन चुकी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। और मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि हमारी जो बेजिस है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए और हमें भी 300। एक बार फिर कश्मीर में स्थानीय लोगों द्वारा सुरक्षा बलों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें दिख रहा है कि परिवार के कुछ सदस्य सेना के जवानों पर लाठियों और पत्थरों से वार कर रहे हैं। वहीं पुंछ में एक बार फिर कश्मीर में आतंकियों का समर्थन करने आए लोगों की मौत पर प्रदर्शन किया गया। बता दें, बीते सप्ताह पुलवामा में एक एनकाउंटर के दौरान कुछ स्थानीय पत्थरबाज आतंकियों को भगाने की मदद करने आए थे और सेना पर जमकर उन्होंने पत्थरबाजी भी की थी, जिसके दौरान करीब 8 पत्थरबाजों की मौत हो गई थी। यानी 19 दिसंबर से रियासत में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य विधायिका की कमान राष्ट्रपति के हाथों चली जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।